आमिर खान ने माथे पर तिलक लगाकर की कलश पूजा तो भड़क गए हिंदू। माथे पर लाल तिलक लगाए पूजा करते दिखे आमिर खान हो गए बुरी तरह ट्रोल। आमिर खान ने एक्स वाइफ के साथ की नई प्रोडक्शन ऑफिस में कलश पूजा। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। एक्टर आमिर खान ने फिलहाल फिल्मों से ब्रेक ले लिया है और अपना पूरा समय वो अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। एक्टर ने हाल ही में अपनी एक्स वाइफ और फिल्म निर्माता किरण राव के साथ अपने प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शन के लिए एक नए ऑफिस का उद्घाटन किया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने पोस्ट की है, जिसे लेकर एक बार फिर से आमिर खान को ट्रोल किया जा रहा है। इसकी वजह है आमिर खान का लुक। दरअसल इन तस्वीरों में आमिर के बाल, दाढ़ी और मूंछ सब एकदम सफेद नजर आ रहे हैं। पूजा करते हुए आमिर ने एक नेहरू टोपी लगाई है और उनके गले में एक गमछा भी है। तस्वीरों में आमिर और किरण राव साथ खड़े होकर आरती करते भी दिख रहे हैं। किरण ने आरती की थाली हाथ में पकड़ी है और आमिर हाथ जोड़े खड़े हैं। सोशल मीडिया पर आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद इस ऑल ग्रे लुक पर जनता भी कमेंट कर रही है। ट्विटर पर एक यूजर ने आमिर खान पर निशाना साधते हुए लिखा, ब्रांड मिलना बंद हो गए, फिल्में पिटना शुरू हो गई, तो फिर से हिंदू बनने का नाटक शुरू कर दिया है आमिर खान ने, झांसे में मत आना। एक अन्य यूजर ने लिखा, लाल सिंह चड्ढा के बाद इसको समझ आ गया, इसलिए इस फोटो को इसका पीआर एजेंसी इतना घुमा रहा है, हिंदूज की वैल्यू अब समझ आ रही है, वाह। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, मूवी बॉयकॉट हुआ है इसलिए यह सब दिखावा कर रहा है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, आ गया ना लाइन पर। वहीं एक और यूजर ने लिखा, घर वापसी भी होना जरूरी है, तो देखा आपने माथे पर तिलक लगाकर हिंदू रीति रिवाज से कलश स्थापना करना आमिर खान को कितना भारी पड़ गया। आमिर की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो एक्टिंग से ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वो एक डेढ़ साल बाद एक्टिंग में लौटेंगे। हालांकि इस बीच बतौर प्रोड्यूसर वो पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। रंग दे बसंती फेम एक्टर हाल ही में काजोल की फिल्म सलाम वेंकी के एक प्रीमियर स्क्रीनिंग पर नजर आए थे, जिसमें उन्होंने कैमियो किया है। इस दौरान आमिर खान ने कहा, सालों से मैं लगातार काम कर रहा हूं, इसलिए मैंने अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने का फैसला किया है। इसके अलावा पानी फाउंडेशन पर भी काम चल रहा है और भी कई चीजें हैं। जहां तक की एक्टिंग की बात करें तो मैं एक साल बाद वापसी करूंगा। एक्टर ने भले ही एक्टिंग से ब्रेक ले लिया हो, लेकिन वह अभी भी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। वह इन दिनों 2008 की स्पेनिश फिल्म के हिंदी रिमेक में बिजी हैं, जिसे आरएस प्रसन्ना द्वारा निर्देशित किया जाएगा। बता दें कि आमिर और किरण ने पिछले साल अपनी 15 साल की शादी खत्म कर ली थी और अलग हो गए थे, लेकिन दोनों अब भी अपने बेटे आजाद को साथ में बड़ा कर रहे हैं। पार्टियों, एयरपोर्ट वगैरह पर अक्सर साथ दिखे जाते हैं। तो इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।